हेलो एवरीवन दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ पेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी वेयर वी लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज एन आइडियल पेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड हाउ टू कैलकुलेट द सीओपी ऑफ दैट सिस्टम और साइकिल यू कैन से अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं साइकिल में तो पैरामीटर्स पे क्या क्या इफेक्ट आएगा जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है ऑफ द सिस्टम उस पर क्या चेंजेज आएंगे या हमारा जो वर्क इनपुट है उसमें क्या चेंजेज आएंगे और फाइनली विल सी कि हमारा जो परफॉर्मेंस है दैट विल बी इफेक्टेड इन विच वे बढ़ेगा या घटेगा तो सबसे पहले विल सी कि हमारे जो फैक्टर्स हैं दो फैक्टर्स विच आर एफेक्टिंग द वी सी आर एस साइकिल और तो अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहला हमारा है कि डिक्रीज अगर हम हरेटर प्रेशर को घटाते हैं दैट इज डिक्रीज इन येटर प्रेशर तो हमारा साइकिल पे क्या इफेक्ट आएगा सिमिलरली अगर हम कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाते हैं सब सुपर हीटिंग करते हैं सब कूलिंग करते हैं या कम वेट कंप्रेशन करते हैं तो उन सारे केसेस में हमारा जो है वट विल बी द इफेक्ट ऑन द पैरामीटर्स तो विल सी वन बाई वन तो पहला पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन ओवरेटर प्रेशर कि अगर हम इपरेटर प्रेशर को घटा रहे हैं तो उस केस में हमारा जो साइकिल पे क्या इफेक्ट आएगा तो so, सबसे पहले विल सी कि हमारा जो ओरिजिनल साइकिल है दैट इज़ वन टू थ्री फोर टू वन और जो मॉडिफाइड साइकिल है वो रेड मार्क किया हुआ इन द फिगर दैट इज़ वन डैश टू 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 थ्री टू फोर डैश टू वन डैश तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो ओरिजिनली हमारा प्रेशर जो है वो दैट इज पी ई वन और जिसको हमने घटा के कर दिया है फिर से पी ई टू कर दिया है so तो दैट वी हैव डिक्रीज द प्रेशर इन द सेकेंड केस तो ओरिजिनल साइकिल में अगर हम लोग देखें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा एच वन माइनस एच फोर होगा और मोडिफाइड साइकिल में दैट विल बी एच वन डैश माइनस एच फोर डैश ओके तो सिंस एच फोर डैस एंड एच फोर इज सेम यू कैन ऑल्सो राइट एच फोर हेयर क्योंकि ये एस इंथेल्पिक प्रोसेस है हमारा थ्री फोर और फोर डैस पे इंथेलपी हमेशा सेम रहेगा बट इफ़ यू विल सी हमारा वन और वन डैश पर कंपेयर करेंगे तो वन डेज पे हमारा इंथेलपी जो है वो घट रहा है तो जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो घट जाएगा सिमिलरली अगर हम लोग वर्क इनपुट की बात करें तो ओरिजिनल साइकिल में हमारा इनपुट दैट इज़ फ्राम वन टू टू अब जो मॉडिफाइड साइकिल में है दैट इज़ फ्रॉम वन डैश टू टू तो दिस पोर्शन इज़ इंक्रीजिंग तो हमारा जो वर्क इनपुट है दैट विल इंक्रीज इनिशियली हमारा एस टू माइनस एच वन था अब हमारा एस टू माइनस एच वन डैश हो गया तो so, अगर हम लोग कॉफिशन ऑफ परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो देखेंगे कि हमारा कोफिशन ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज़ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क इनपुट तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो घट रहा है एंड वर्क इनपुट जो है वो बढ़ रहा है तो so, डिनोमिनेटर हमारा क्या है बढ़ रहा है और न्यूमरेटर हमारा घट रहा है तो सी हमारा घट जाएगा सिमिलरली अगर प्रेशर रेशियो देखें तो प्रेशर रेशियो क्या है कि हमारा जो पहले पी जो कि कंडेंसर प्रेशर है बाई पी वन जो हमारा इनिशियली ऑपरेटर प्रेशर था अब हमारा पी टू हो गया तो सिंस द डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीजिंग तो हमारा प्रेशर रेशियो क्या है बढ़ जाएगा फिगर देख के भी आपको पता चल सकता है ये चीज़ सिमिलरली अगर इसी प्रेशर रेशियो को अगर हम लोग देखें इसके हेल्प से कि वाट विल वी द इफेक्ट ऑन द वे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ द कंप्रेसर तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये टर्म है दैट टर्म इज इंक्रीजिंग सिंस दैट टर्म इज निगेटिव तो हमारा जो टोटल टर्म है दैट विल डिक्रीज तो ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी विल डिक्रीज तो दिस इज द इफेक्ट दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डिक्रीजिंग दपरेटर प्रेशर इन दी सी आर एस साइकिल बेसिकली यू कैन से आइडियल वी सी आर एस साइकिल अब इस केस में एक और चीज़ देख सकते हैं कि आइडियल साइकिल में हमारा जो वन पॉइंट था दैट लाइड ऑन सेचूरेटेड वेपर लाइन अब हमारा वन डेस जो है वो वेट रिजन में चला गया सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द आइडियल साइकिल एंड वी डू सम तो सेकेंड जो हमारा है दैट इज़ इंक्रीज इन द कंडेंसर प्रेशर तो अगर हम लोग कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वट विल बी द इफेक्ट ऑन द पैरामीटर्स तो कंडेंसर प्रशर को पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल साइकिल है दैट इज़ वन टू थ्री फोर टू वन एंड नाउ द मोडिफाइड साइकिल इज़ वन टू टू डैश टू थ्री डैश टू फोर डैश टू वन जो कि रेड में भी डिनोटेड है दैट एडिशनल पार्ट विच चेंज्ड फ्राम द ऑरिजिनल साइकिल तो अगर हम लोग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को कम्पेयर करें तो इनिशियली केस में हमारा एच वन माइनस एच फोर है और मोडिफाइड केस में दैट इज एच फोर डैश माइनस वन तो दिस पोर्शन इज सो ये जो यहाँ का जो इंथेल्पी है एच फोर माइनस एच फोर डैश दिस इंथेल्पी इज़ नॉट इन द मोडिफाइड साइकिल तो हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है दैट विल डिक्रीज सिमिलरली अगर हम वर्क लोग वर्क इनपुट देखें तो पहले वन से टू था अब हमारा टू डैश से वन है तो दिस पोर्शन इज़ इंक्रीजिंग तो वर्क इनपुट जो है हमारा एच टू माइनस एच वन था अब एच टू डैश माइनस एच वन है तो दैट इज़ इंक्रीजिंग और अगर हम लोग कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो कोफिशंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क इनपुट है तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घट रहा है और वर्क इनपुट हमारा बढ़ रहा है तो सी ओ पी हमारा जो है वो घट जाएगा बिकॉज द न्यूमरेटर इज़ डिक्रीजिंग एंड डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीजिंग सिमिलरली अगर हम लोग प्रेशर देखें तो पी टू हमारा ओरिजिनल कंडेंसर प्रेशर था और पी टू डैश हमारा मोडिफाइड कंडेंसर प्रेशर है, जो कि ज़्यादा है तो जैसे ही न्यूमरेटर बढ़ेगा बींग डिनोमिनेटर बींग द सेम तो हमारा जो प्रेशर रेशियो दैट विल इंक्रीज और सिमिलरली अगर प्रेशर रेशियो हमारा बढ़ रहा है दिस टर्म इज़ इंक्रीजिंग एंड इट इज़ इन निगेटिव तो हमारा जो ऑलिमेटरी एफिशिएंसी है वो घट जाएगा सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ increasing the condenser pressure and uh, you can see compare that from the previous one all the effects are same jahan jo effects wahan pe ho rahe the the same effects are being observed here तो सुपर हीटिंग की अगर हम लोग बात करें तो सुपर हीटिंग करने का हमारे पास दो तरीका है बेसिकली तो दो तरीका क्या है पहले हम यूएपरेटर में ही सुपर हीटिंग करते हैं और दूसरा हमारा है वी

रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज एच वन डैश माइनस एच फोर तो दिस टर्म इज़ इंक्रीजिंग दैट इज़ वन से वन डैस का जो इंथेल्पी है हमारा दैट इज़ इंक्रीजिंग तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सिमिलरली अगर हम लोग वर्क इनपुट कंपेयर करें तो वर्क इनपुट जो हमारा पहले है एच टू माइनस एच वन और दूसरे केस में हमारा एच टू डैश माइनस एच वन डैश है तो इस केस में हम लोग कैसे कहेंगे कि इफ द वर्क इनपुट इज़ इंक्रीजिंग और नॉट तो पहला तो हमारा ये हो सकता है कि हमारा जो प्रेशर लाइन है दैट डाइवर्जेज तो अगर हम लोग दो पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस लाइन विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सेकेंड लाइन तो इसके से हम लोग कह सकते हैं कि वर्क इनपुट हमारा इंक्रीज कर रहा है और दूसरा एक और हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग वर्क इनपुट का एक्सप्रेशन देखें फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर तो ये जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द इनलेट टेम्परेचर ओके तो ये इनलेट टेम्परेचर का फंक्शन होता है यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन आई विल गिव यू द डिटेल्स इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन कंसिडर इट एज असाइनमेंट तो ये जो हमारा है वर्क इनपुट जो है वो इनलेट टेम्परेचर का फंक्शन होता है तो वन डेज़ पे जो है हमारा टेम्परेचर वन से ज़्यादा होगा तो इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क इनपुट है दैट विल इंक्रीज अगर हम लोग सी ओ पी का बात करें तो सी ओ पी की अगर बात करें तो सी ओ पी हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वही वर्क इनपुट है तो सी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है और वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है तो वैन द बोथ इनमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीजिंग तो वी कैनॉट प्रिडिक्ट वेदर सी ओ पी विल इंक्रीज और नॉट बट इन बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रेफ्रिजरेंट यूज अगर हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं अलग डिफरेंट uh, टाइप्स का तो इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ आर ट्वेल्व सी ओ पी हेज इंक्रीज एंड इन केस ऑफ एमोनिया सी ओ पी विल डिक्रीज सो यू हैव टू रिम्बर दिस बिकॉज दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डेटा तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दी जाती हैं स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विसेस के ऑब्जेक्टिवस में तो so, हमारा जो सी ओ पी है वी कैनॉट से वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज बट इफ़ वी हैव अलेज ऑफ रेफ्रिजरेंट वी कैन से वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज अगला जो हमारा दैट इज़ सब कूलिंग तो सब कूलिंग जो है प्रीवियसली हम लोग देखते थे कि हमारा जो पॉइंट थ्री है जो एग्जिट ऑफ कंडेंसर है दैट इज़ ऑन सेचुरेटेड लिक्विड लाइन अब हमारा क्या है कि जब हम मोडिफाई किए सब कूल किए रेफ्रिजरेंट को दैट इज़ थ्री डैश तो ये हमारा मोडिफाइड साइकिल हो गया हमारा वन टू थ्री डैश टू फोर डैश तो सब कूलिंग जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो हमार जो हम तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है अगर हम लोग देखें तो इनिशियली हमारा एच वन माइनस एच फोर है और मोडिफाइड हमारा एच वन माइनस एच फोर डैस है तो दिस पोर्शन इज इंक्रीजिंग तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल इंक्रीज हेयर इट इज एच वन माइनस एच फोर एंड इन दिस केस इट इज़ एच वन माइनस एच फोर डैस सिमिलरली अगर हम लोग वर्क इनपुट का बात करें तो देर इज़ नो चेंज इन वर्क इनपुट इन बोथ द साइकल्स इन बोथ द केसेज वी कैन सी दैट हमारा जो वर्क इनपुट है दैट इज़ एच टू माइनस एच वन दैट विल बी नो चेंज एंड अगर कोफिशेंट और परफॉर्मेंस को कंपेयर करें हम लोग दैट इज़ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई वर्क इनपुट तो इस केस में हमारा क्या होगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है और वर्क इनपुट कॉन्स्टेंट है तो हमारा सी ओ पी जो है वो इंक्रीज करेगा तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग ऑन वी सी आर एस आइकल सिमिलरली अगर हम लोग देखें वेट कंप्रेशन और ड्राई कंप्रेशन को तो हमारा जो अगर डायग्राम में देखें तो वेट कंप्रेशन हमारा क्या है कि अगर हमारा कंप्रेशन स्टार्ट हो गया वेट रीजन में जो कि यहाँ वन डैश दे रखा है तो दैट इज़ कॉल्ड वेट कंप्रेशन और अगर हमारा कंप्लीटली वेपर इपरेट हो गया रेफ्रिजरेंट तो दैट इज़ अ ड्राई कंप्रेशन जो कि पॉइंट वन है तो हमारा वन से टू दैट विल बी ड्राई कंप्रेशन एंड हमारा वन डैश से टू डैश विल बी वेट कंप्रेशन तो दैट इज रिटर्न इन द स्टेटमेंट फॉर्म ऑल्सो कि ड्राई कंप्रेशन मीन्स दट द एंट्री पॉइंट टू द कंप्रेशर इज सेचुरेटेड वेपर वेर इज वेट कंप्रेशन मीन्स दैट द एंट्री पॉइंट टू द कंप्रेशर इज फ्रॉम वेट रीजन तो हमारा एंट्री पॉइंट जो है वेट कंप्रेशन में दैट इज फ्रॉम पॉइंट वन डैश तो वील सी वॉट आर द इफेक्ट ऑफ वेट कम्प्रीजन वेट कंप्रेशन तो पहला हम लोग देखेंगे अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को देखें तो इनिशियली हमारा ड्राई के केस में एच वन माइनस एच फोर है और दूसरे केस में हमारा एच वन डैश माइनस एच फोर है तो दिस पोर्शन इज मिसिंग इन द वेट कंप्रेशन तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है दैट विल डिक्रीज सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि वेट कंप्रेशन अगर प्रैक्टिकली या फिजिकली क्या बता रहा है कि वन द रेफ्रिजरेंट इज़ नॉट कम्प्लीटली इवेपरेटेड इसका मतलब उसमें कुछ पोर्शन तो लिक्विड का भी है तो दैट इज रिटर्न हेयर कि हमारा जो वेट कंप्रेशन है इनडायरेक्टली क्या बताता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कम्प्लीटली इवेपरेट नहीं हुआ है तो दैट शोज़ द इनफिशियंसी ऑफ द एवेपरेटर और इनफिशियंसी ऑफ द सिस्टम कि हमारा जो बेसिकली वेन वी डिज़ाइन एवेपरेटर तो हम लोग ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि हमारा हमेशा जो आउटपुट हो वो सेचुरेटेड वेपर निकले या सुपर हीटर निकले अगर हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिकल हो तो हमेशा वी ट्राई टू कीप द वेपर सुपर हीटेड क्योंकि उसमें थोड़ा भी लिक्विड नहीं होना चाहिए लिक्विड क्यों नहीं होना चाहिए इसका एक कारण है क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं दैट कैन वॉश अवे द लुबड़ी कैंट इनसाइड द कंप्रेसर एंड कैन इंक्रीज द चांसेज ऑफ वियर एंड टीयर ऑल्सो दूसरा ये भी है कि अगर हमारा लिक्विड है एंड द प्रेशर इज इंक्रीजिंग तो दैट मे ऑल्सो डैमेज द वॉल एंड बॉडी ऑफ द कंप्रेशर सो दीज आर द डिसएडवांटेज बेसिकली ऑफ द वेट कंप्रेशन over ड्राई कंप्रेशन तो इन प्रैक्टिकल cases when we डिज़ाइन the system सी system सिस्टम तो उस केस में हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो हमेशा जो पॉइंट वन है जो स्टेट वन है दैट इज द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर, वो हमेशा सुपर हीटेड में ही रहे सेचुरेटेड वेपर हो दैट इज आल्सो गुड बट फॉर द सेफ्टी एंड फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस वी ऑलवेज ट्राई दैट द पॉइंट वन शुड लाई इन द सुपर हीटेड रीजन अब एक कंपरिजन है हमारा वीसीआर साइकिल का कि अगर हम लोग जितने भी फैक्टर्स देखे हैं इफ़ वी आर कंपेयरिंग द फैक्टर्स तो उस केस में क्या होगा तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले दो केसेस जिसमें हमने वेपरेटर का प्रेशर घटाया था और कंडेंसर का प्रेशर बढ़ाया था उस केस में अगर हम लोग देखें तो सारे जो इफेक्ट्स हैं वो सेम हैं तो दिस कैन बी आस्ट डायरेक्टली इन द एग्ज़ाम ये सारे सेम हैं उसके बाद अगर हम लोग सुपर हीटिंग देखें और सबकूलिंग देखें तो सुपर हीटिंग में हमारा दोनों जो है रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट बढ़ रहा था बट वी कैनॉट से वेदर कोफिशेंट परफॉर्मेंस हमारा बढ़ रहा था कि नहीं दैट वॉज डिपेंडिंग अपॉन द रेफ्रिजरेंट यूज़ देर वॉज नो चेंज इन द वॉल्यूमेट्रिक इफिशंसी क्योंकि सेम प्रेशर रेशियो के बीच में था हमारा कम सिमिलरली अगर सब कूलिंग में देखें तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा था और वर्क इनपुट में कोई चेंज नहीं था जिसके कारण हमारा ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर रहा था और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी में कोई चेंज नहीं था कंप्रेसर के तो इन ऑल द केसेज यू कैन सी द सीओ पी इज इंक्रीजिंग ओनली इन सब कूलिंग दिसो कैन इंक्रीज इन सुपर हीटिंग बट दैट डिपेंड्स अपॉन द रेफ्रिजरेंट तो एग्जाम्स में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ड कि किस किस में पॉसिबल है तो यू कैन आंसर सुपर हीटिंग है सब कूलिंग बट किसमें सर्टेनली होगा तो यू विल आंसर सब कूलिंग नाउ उदर इज अ क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा ये है कि पहले हम लोगों ने जो भी अभी डायग्राम्स देखे हैं वी के सारे डायग्राम्स हमारे टीएस डायग्राम्स थे बट वी न्यू द प्रोसेसेस तो प्रोसेस के बेस्ड पे हम लोग पता कर सकते हैं क्वेश्चन में हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछा है कि हमारा ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट कौन कौन सा प्रॉपर्टी बता रहा है तो अगर हम लोग देखें हमारा प्रोसेस वन से टू जो था वो कंप्रेशन था ठीक है प्रोसेस हमारा टू से थ्री जो था वो कांस्टेंट प्रेशर का था कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन था प्रोसेस थ्री से फोर जो था हमारा देट वॉज आइस एन थेल्पिक और हमारा प्रोसेस फोर से वन जो था देट वॉज अगेन कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हमारा हीट जो है वो ऑब्जॉर्व करा था रेफ्रिजरेट तो अगर इन चारों प्रोसेस को हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो दो कांस्टेंट प्रेशर है टू से थ्री और फोर सेवन तो फोर सेवन में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे होगा वो कांस्टेंट है बट अगर हम लोग टू से थ्री देखें तो ये डॉम के अंदर तो इट इज़ इट हैज़ नो स्लोप बट डोम के बाहर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लोप है दैट मीन्स द प्रॉपर्टी इज चेंजिंग द इफ द प्रॉपर्टी इज चेंजिंग तो यहाँ पर प्रेशर हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा दो जो प्रोसेस टू से थ्री है दैट इज़ कांस्टेंट प्रेशर और यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी चेंज कर जा रहा है तो इसलिए हम लोग कब यहाँ पे ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा उस पर प्रेशर नहीं होगा तो वी कैन एलिमिनेट टू ऑप्शंस अब दूसरा जो हमारा है तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि हम लोग देख सकते हैं इधर इसको देख सकते हैं या इसको देख सकते हैं अगर हम लोग इसको देखें तो थ्री से फोर हमारा क्या है इस इंथेल्पिक है दैट मीन्स अगर यहाँ पे इंथेल्पी होगा तो ये लाइन हमारा वर्टिकल होना चाहिए जो कि है दिस दिस सेटिस्फाइज आवर क्राइटेरिया यहाँ पे इंथेल्पी होगा दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि वन से टू में हमारा आइसेंट्रोपिक है तो वन से टू आइसेंट्रोपिक है मतलब कि अगर यहाँ पे अगर एंट्रोपी होता तो दिस लाइन वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन बट यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा एंट्रोपी नहीं होगा तो दिस टर्म इज एच हम लोगों ने दो एलिमिनेट किया है तो विल गेट रिमेन विद दिस तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी टी एच डाइग्राम सो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय इलिमिनेटिंग ऑप्शंस आल्सो तो दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2005 एंड टू मार्क्स एंड इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट मोर देन लाइक यू वॉन्ट टेक मोर देन वन मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम तो इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें तो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है हमारा जो ये ऑर्डिनेट है वो प्रेशर है और यहाँ पे इंथेल्पी है ये कुछ पिछले पिछले प्रॉब्लम टाइप का ही फिगर लग रहा है बट देर इज अ चेंज हमारा डोम के बाहर जो है यहाँ पे स्लोप नहीं चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ये प्रेशर ही होगा ऐसे यहाँ पे दे रखा है बट इफ़ अगर ये दे नहीं रखा भी होता तो वी वुड हैज्यूम दैट टू बी अ प्रेशर ओके तो क्वेश्चन में हमारा कंडेंसिंग टेम्परेचर और यूपरेटिंग टेम्परेचर दिया हुआ है एंड इट इज गिवन दैट देर इट डेवलप्स द सिस्टम डेवलप्स फिफ्टीन किलो वाट ऑफ कूलिंग तो फिफ्टीन किलो वाट ऑफ कूलिंग मीन्स हम लोगों को रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी दे रखा है दैट इज फिफ्टीन किलो वाट ठीक है अब ये पी एच डाइग्राम जो है इंथेल्पी दिखा रहा है यहाँ पे तो हमारा अगर ये प्रोसेस जो है कंप्रेशन का है प्रोसेस वन से टू सपोज ओके एंड टू से थ्री विल बी इन कंडेंसर थ्री से फोर विल बी इन थ्रोटलिंग डिवाइस एंड फोर से वन विल बी इन ईपरेटर तो अब इस केस में हम लोग देखें तो हमारा आइसेंट्रोपी की एफिशेंसी दे रखा है कंप्रेसर का तो ये जो साइकिल है हमारा वो बेसिकली आइडिया साइकिल है तो वन से टू में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो चेंज है इन थेलपी का वो फोर सेवेंटी फाइव माइनस फोर हंड्रेड है तो हमारा जो वर्क इनपुट हो जाएगा फॉर आइडियल केस दैट विल बी 75 फाइव किलो जूल पर के वी नो कि हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो 1 माइनस फोर है तो 400 हंड्रेड माइनस टू दैट विल बी 150 तो दैट कैन बी क्वेडेड टू मास फ्लो रेट इन टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दैट इज अगर हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 150 है हमारा तो मास फ्लो रेट यहाँ से निकल जाएगा विच विल बी पॉइंट वन ओके तो हमारा वर्क इनपुट यहाँ पे फिर दे रखा है सेवेंटी फाइव अब हमें पूछ रहा है कि जो हमारा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है कंप्रेसर का सेवेंटी फाइव परसेंट है तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हम लोगों ने पढ़ा था कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो है वो हमेशा क्या होता है डब्ल्यू आइडियल डी बाई डब्लू एक्चुअल ओके तो ये हमारा दे रखा है पॉइंट सेवन फाइव डब्लू आइडियल जो हमें पता है दैट इज सेवेंटी फाइव तो डब्ल्यू एक्चुअल वी विल गेट एज सेवेंटी फाइव बाई पॉइंट सेवन फाइव तो यहां से हंड्रेड किलो वॉट विल गेट हंड्रोड किलो जूल सॉरी विल गेट पर के जी तो क्वेश्चन में हमारा पूछ रखा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसर पावर तो कंप्रेसर पावर पूछना है किलोवाट में तो विल मल्टीप्लाई द वर्क इनपुट बाय एक्चुअल वर्क इनपुट टू मास फ्लोरेट तो विल गेट द कंप्रेसर पावर इन किलोवाट तो हमारा मास फ्लोरेट हम लोगों ने निकाला था पॉइंट वन तो विल मल्टीप्लाई हंड्रेड इन टू पॉइंट वन एंड विल गेट टेन तो हमारा जो आंसर होगा होगा टेन किलोवट सो दिस क्वेश्चन गेट टू थाउजेंड एटीन टू मार्क्स तो इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट तो यू वोंट टेक मोर देन टू मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज दैट हमेशा जो है मास फ्लो रेट जो है निकालना दे विल गिव यू रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी एंड यू हैव टू फाइंड द मास फ्लो रेट और मास फ्लो रेट का यूज़ करके विल हैव टू कैलकुलेट पावर इन मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन बट दिस कैन बी चेंज हो सकता है कि आपको पावर इनपुट दे दे और वहाँ से आप मास फ्लो रेट निकालो और फिर वहाँ से रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी निकालो सो दिस थिंग्स कैन वेरी बट द कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज भी सेम कि अगर आप रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मास फ्लो रेट से तो दैट विल गिव यू रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी एंड वर्क इनपुट को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मास फ्लो रेट से दैट विल गिव यू पावर इनपुट सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे एंड नेक्स्ट क्लास में विल सी कि हाउ देर आर डिफरेंट मोडिफिकेशंस के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जो कि आपको गेट के अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी काफ़ी आते हैं मेन्स में तो विल सी टू दैट टिल देन आई थिंक यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम्स ऑफ गेट इजिली एंड विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो Thank you very much.